Another example regarding switch. So regarding while and do while, different options are there. इस केस में न्यू कौन सा यूज किया, कंटिन्यू स्टेटमेंट। जस्ट कंटिन्यू अभी तक मैंने डिस्कशन किया, जस्ट कंटिन्यू डिस्कस करें नेक्स्ट सेशन। कंटिन्यू के रिगार्डिंग अगर बात करें, जस्ट प्रीवियस एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन किया था अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट, सम कंडीशन, बेसिक आइडिया प्रोवाइड करूँ अबाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट, समथिंग स्टेटमेंट वन, देन ब्रेक, देन स्टेटमेंट टू, देन व्हाइल। इस केस में नॉर्मल बिहेवियर क्या था, सबसे पहले कंडीशन टेस्ट हुआ, कंडीशन के बाद एस वन के बाद ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड हो रहा, ऑलरेडी डिस्कस किया। जैसे ही किसी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट ऑकर हुआ, इन्हीं कंट्रोल सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, इमीडिएटली कंट्रोल का फॉरवर्ड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। सेम एज सपोज अगर ब्रेक के प्लेस पर यूज करते हैं जा कंटिन्यू स्टेटमेंट्स अबाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू का वर्किंग क्या रहेगा, कंटिन्यूइंग एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप बाय स्किपिंग रिमेनिंग स्टेटमेंट्स और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स अगर किसी भी लूप के अंदर जैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑकर होता है, कंटिन्यू से जस्ट कंट्रोल सेंड होगा डायरेक्टली टू द कंडीशनल पार्ट। और व्हाइल और डू व्हाइल का केस है, देन कंडीशनल पार्ट में सेंड करेंगे। अगर कंटिन्यू फॉर लूप के अंदर यूज रहा था, इसके इसमें कंट्रोल सेंड हुआ टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशंस, इज द बिहेवियर ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। जस्ट कंट्रोल का सेंड हुआ टू द कंडीशन, मीन्स इसके इसमें जब भी कंटिन्यू को चांस पार्ट हुआ, इसके इसमें स्किप क्या हुआ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द व्हाइल बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप। अब इसके इसमें टेस्ट करते हैं, रीड दिस एग्जाम्पल केयरफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग गो आउट ऑफ द लूप इफ एक्सप्रेशन टू बिकम्स फॉल्स, मीन्स टोटल फोर ऑप्शन गिवन है, फोर ऑप्शन में से फाइंड आउट करना अगर एक्सप्रेशन टू फॉल्स होता है तो इस केस में किस लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होने के चांसेस होंगे। व्हेनेवर एक्सप्रेशन टू बिकम्स फॉल्स, फर्स्ट वन, सपोज दैट ऑप्शन वन के केस में एक्सप्रेशन वन के प्लेस पर यूज क्या करते हैं, इफ कोई एक्सप्रेशन टू के प्लेस पर यूज करते हैं एज अ फॉल्स, अगर इस प्लेस पर फॉल्स राइट डाउन कर दिया जाए, देन टेस्ट करो इस केस में केवल फॉल्स होने की वजह से लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होने के चांसेस हैं क्या, नहीं, बिकॉज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस प्लेस पर ट्रू राइट करें या फॉल्स राइट करेंगे। ट्रू होता है चांस किसको मिलता है, कंटिन्यू को, कंट्रोल कंसेंट होता है कंडीशन। इस केस में कंप्लीटली लूप कब तक एग्जीक्यूट हो, जब तक एक्सप्रेशन वन ट्रू है, इस केस में एक्सप्रेशन टू के रिस्पेक्ट में लूप कैसा है, इंडिपेंडेंट, मीन्स ट्रू है फॉल्स हो डजेंट अफेक्ट, देयरफॉर इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। मीन्स इस केस में कंडीशन टू और सॉरी एक्सप्रेशन टू फॉल्स होने के केस में लूप फिर भी एग्जीक्यूट होने चांसेस होंगे। सेम एज अगेन सेम केस, मीन्स एक्सप्रेशन वन ट्रू है या एक्सप्रेशन टू, मीन्स इस केस में लूप का बिहेवियर किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सप्रेशन टू और एक्सप्रेशन वन, अगेन एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू के केस में अभी भी लूप का बिहेवियर अल्टर नहीं हो रहा, देन इट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सी के केस में एक्सप्रेशन टू के प्लेस पर पुट करते हैं एज अ फॉल्स, करंटली लूप का टाइप क्या है, डू व्हाइल। इस केस में फर्स्ट टाइम डू व्हाइल का बॉडी पार्ट कंप्लीट होने के जस्ट बाद, जैसे इस केस में कंडीशन टेस्ट हुआ एक्सप्रेशन टू के प्लेस पर पुट किया एज अ फॉल्स, फॉल्स होने पर कंट्रोल का सेंड हुआ इमीडिएटली आउटसाइड बॉडी ऑफ डू व्हाइल, देयरफॉर इट इज अ करेक्ट आंसर्स और करेक्ट ऑप्शंस। सेकंड केस में अगर ऑप्शन डी के केस में अगर एक्सप्रेशन टू के प्लेस पर फॉल्स पुट कर दें, देन इसके साथ अप्लाई क्या हुआ, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर जब फॉल्स के लिए अप्लाई हुआ रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, देन इस केस में लूप के टर्मिनेट होने चांसेस नहीं, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शंस क्या है इस केस में, ऑप्शन